नमस्कार, प्रश्न है बायो का, लाइफ प्रोसेसेस का, ये कि हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाउ आर लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई के लिए 3 पॉइंट्स, लंग्स के लिए एक और पॉइंट जोड़ दिया जाएगा। एल्वियोलाई जो है, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट लिखेंगे कि एक लंग में 30 करोड़ से भी ज़्यादा एल्वियोलाई है। देख लो, तो ये पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे, 30 करोड़ से भी ज़्यादा एल्वियोलाई है। और जब हम सांस लेते हैं तो हर एक एल्वियोलाई जो थोड़ा थोड़ा और फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। मतलब एक से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक जब करते हैं तो फर्क पड़ता है ना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वैसे ही जब ये 30 करोड़ से भी जो ज़्यादा है, वो जब थोड़ा थोड़ा फैलेंगे, लार्ज सर्फेस एरिया मिलेगा ना, तो ये लार्ज सर्फेस एरिया लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो पहला हो गया पॉइंट, हम लिखेंगे लार्ज सर्फेस एरिया। एल्वियोलाई जो होते हैं 30 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वो भी थोड़े थोड़े फैल जाते हैं, जिसके कारण लार्ज सर्फेस एरिया मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अब देखो, ये 30 करोड़ है इतना ही दूर के लंग्स में, है कि नहीं? तो मतलब बहुत थिन वॉल्ड होंगे। तो ये पॉइंट भी हम लिखेंगे कि बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, और यहाँ पर थिन वॉल्ड होते हैं जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, और जो ऑक्सीजन जो होता है हमारे एयर में जो हम इनहेल करते हैं, ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है इस थिन वॉल से थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। फिर से बोलता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जो एयर में ऑक्सीजन है जो यहाँ पर है, ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है इस थिन वॉल से थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो थिन वॉल, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई है, तो हम ये लिखेंगे इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, हमको ये मान के चलना कि आइडल है सचमुच, तभी तो हमारे पास है, भगवान ने बहुत आइडल दिया है हमें। तो हम लिखेंगे एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है बहुत सारे ब्लड सप्लाई, ये बहुत तेज़ी में एक्सचेंज हो जाए, खूब ज़्यादा दे दिया गया है कि बहुत तेज़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए। तो एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई है जिससे बहुत कम समय में ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। 3 पॉइंट दे दिया। ये तब आप लिखेंगे जब एल्वियोलाई का पूछा गया। अगर लंग्स का पूछा गया तो ये तीनों तो लिखना ही है, साथ में एक और लिखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट, ये जो रिब्स हैं, ये लिफ्टअप हो जाता है, मतलब ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक। और जो हमारा डायफ्राम, ध्यान से सुनिएगा, डायफ्राम है वो लोअर, नीचे जाएगा और फ्लैटन हो जाएगा। ये देखा ना, ये जो यहाँ पर हुआ, तो रिब्स उठा, डायफ्राम जो यहाँ पर रहता है वो ऐसे फ्लैटन हो गया, हवा अंदर गया तो वो दबाव डालेगा, फ्लैटन कैसे हुआ, हवा अंदर गया, दबाव डालेगा, फ्लैटन हो जाएगा, लोअर हो गया, तो हमारा चेस्ट कैविटी बढ़ गया, जिस कारण से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमारे शरीर के अंदर गया। तो ये पॉइंट भी हम दे सकते हैं जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और ये भी एक आइडल, ये चारों केस हमारे लंग्स को आइडल बनाते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। अगर पूरी लैंग्वेज में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए। धन्यवाद।